हजरतगंज स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में तैनात क्लर्क विपिन सिंह का शव बुधवार देर रात संदिग्ध हालत में ऑफिस से मिला है। घटना के वक्त उसके साथ दो कर्मचारी मौजूद थे, यह भी बात सामने आई है। पत्नी ने विपिन की हत्या की आशंका भी जताई है। पत्नी सपना के मुताबिक देर रात विपिन के घर न आने पर उन्होंने फोन किया, संपर्क न होने से उन्होंने साथियों को भी फोन किया, तब पूरी घटना की जानकारी हुई। हजरतगंज इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा के मुताबिक पीडब्ल्यूडी में तैनात विपिन सिंह का बुधवार रात शव मिला है। फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया है कि शुरुआती जांच में हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना की जानकारी पत्नी सपना को दे दी गई थी। पुलिस के मुताबिक उनके साथ काम करने वाले आकाश और मुकेश ने बताया है कि देर रात को काम खत्म करके वह घर के लिए निकले थे। इसी दौरान विपिन अचानक गश खाकर जमीन पर गिर गया। हम लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही विपिन ने दम तोड़ दिया। इसके बाद ऑफिस के गार्ड और परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।